बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहित आपकी खिदमत में आज मज़ेदार मीठे समोसों के साथ हाज़िर हो चुका है। तो हम बनाना शुरू करते हैं अपने मीठे समोसे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बोल चाहिए, जिसमें हम डालेंगे अपना आधा कप कोकोनट क्रश्ड, यानी कि सूखा कोकोनट जो होता है वो आधा कप जाएगा। उसके बाद हमारी जो प्लेन शुगर है, वाइट शुगर, वो जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, 3 से 4 टेबल स्पून शुगर जाएगी। और हमारे जो दूध से उतारी हुई मलाई है वो जाएगी आधा कप। याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ मलाई हो, दूध बिल्कुल भी ना हो। अगर ये दूध ज़्यादा हुआ तो आपको कोकोनट मज़ीद डालना पड़ेगा, तो रेसिपी चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा दूध इसमें बिल्कुल ना हो। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और ये आपको मैं दिखाता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। मतलब इसको ज़रा हार्ड होना चाहिए, ये ना हो कि ज़रा ये पतला हो तो आपके जो स्क्वायर्स बनाएंगे आप उससे बाहर निकल रहा हो। तो याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि ये ज़रा पतला है तो इसमें आप कोकोनट और डाल दें। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको असेंबल करते हैं। एक पट्टी चाहिए हमें, रोल पट्टी जो आजकल आराम से मिल जाती है, रोल पट्टी चाहिए इसके लिए। और अपना एक मिक्सचर, 1 टेबल स्पून अपना मिक्सचर उठाएंगे और इसको सेंटर में रख देंगे। तो अब इसको हम दोनों साइड से बंद कर देंगे इस तरीके से। ना वो मिक्सर लगाएंगे आटे का और पानी का, यानी इतना बाइंडिंग एजेंट वो लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर इस तरीके से बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बनाते हुए भी, क्योंकि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते बनाने में। और अगर आप चाहें तो अपने जो मिक्सचर आपने बनाया मलाई और कोकोनट का, इसमें आप किसी भी किस्म की नट्स डाल दें, वो भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, इस तरीके से हम सारे अपने स्क्वायर्स बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं। स्क्वायर रेडी हो चुके हैं, तो अब हम करते हैं अपना फ्राई। फ्राइंग के लिए आपका फ्लेम, आपको पता है, मीडियम पे होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। आज अब अफ्तार में ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब निकाल लेते हैं, ये मेरे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई हुई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।